ये है बिग बॉस का घर, ये है बिग बॉस का घर। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस 14 आखिर इंतजार की घटियां हुई समाप्त और बिग बॉस 14 आने वाला है, लेकिन आएगा कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा देता जो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, बिग बॉस 14 में आपको ये पता है कि कैसे करके बड़ी मुश्किल से मैनेज करके बिग बॉस 14 आ रहा है। नहीं तो हमको लगता था कि भैया अभी बिग बॉस 14 भी आएगा कि नहीं आएगा। लॉकडाउन ने दुनिया की हालत खराब कर दी थी, कोरोना ने दुनिया की हालत अभी भी खराब की हुई है, लेकिन इसके बीच में आएगा बिग बॉस। और बिग बॉस का नाम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बिग बॉस लॉकडाउन एडिशन। तो लॉकडाउन एडिशन में क्या खासियत होगी दोस्तों? दो चीजें बहुत मशहूर हुई थी, तो एक खतरनाक थी, एक थोड़ी अच्छी थी, राहत का एहसास दिलाती थी। वो थी दो जोन्स, रेड जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में होती है बहुत सारी तकलीफें, भैया घर में बंधे हुए हैं, कईयों को तो घर में ऐसे बाहर से बंद कर देते हैं, बीएमसी लॉक कर देती है, बिल्डिंगें सील हो जाती हैं। और ग्रीन जोन में आप थोड़ा सा घूम सकते हो, आपको चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी कुछ सहूलतें मिल जाती हैं। तो ऐसा ही होगा बिग बॉस के अंदर में। बिग बॉस के अंदर दो जोन होंगे दोस्तों, ग्रीन जोन और रेड जोन। रेड जोन में कुछ भी नहीं मिलेगा, रेड जोन में सफरिंग ही सफरिंग है, रेड जोन में तकलीफें ही तकलीफें हैं। रेड जोन में आपको बहुत बस खाना पीना मिलेगा और कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जिसको के इसमें कहते थे बिग बॉस की जुबान में लग्जरी आइटम्स। लेकिन क्योंकि इस बार लग्जरी आइटम्स का होगा भंडार, जो कि मिलेगी ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन में आपको स्वा भी मिलेगा, ग्रीन जोन में आपको हो सकता है थिएटर भी मिले, ग्रीन जोन में आपको बातें भी करने, वीडियो भी कर सकते हो, बना सकते हो, ब्लॉग्स भी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ मिलेगा, जिसके लिए आप तरसते रहे जब आप रियल में रेड जोन में थे मुंबई शहर में। तो वो बिग बॉस के घर के अंदर मिलेगा, लेकिन वो कौन बदकिस्मत होंगे जिनको जाना पड़ेगा रेड जोन में? जाहिर सी बात है दोस्तों, वहीं पे होगा उसी तरीके से कि जैसे जिसने कोई गलती की, जिसने कोई कसूर नहीं किया, जिसने कोई टास्क परफॉर्म नहीं किए, वो लोग जाएंगे रेड जोन में, और बाकी जो अच्छे से गेम खेले वो जाएंगे ग्रीन जोन में। तो ग्रीन जोन में रहने वाले करेंगे मजे और रेड जोन वाले होंगे तकलीफ में दोस्तों। तो ये है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो और अपडेट्स देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद, कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।